हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आई एम फार्मासिस्ट न्यूट्रिशन सर्टिफाइड। दोस्तों आज बात करेंगे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी होता है जानना, जो कि मेडिकल स्टूडेंट है उनको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि सभी को मालूम होना चाहिए, दिमाग तो सभी के अंदर होता है और सभी को मालूम होना चाहिए हमारा दिमाग कितने टाइप का होता है और कैसे काम करता है, ये कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो दोस्तों जब ये आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों की लाइफ भी बदल सकती है इससे, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं हम लोग के। अगर हम लोग बहुत से काम करते हैं नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, अब कोई काम होता है जैसे दिमागी से नहीं करता है, उसका तनाव रहता है, उस काम को करके ही हम लोग को सुकून मिलता है। तो दोस्तों ये सब जुड़ा होता है कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड से। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी होता है ये जानना कि कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड कितने पावरफुल होते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। आप लोगों को कहीं भी बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से याद हो जाएंगे और आप किसी को बता भी सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, वीडियो के लास्ट तक बने रहो। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। बहुत से लोग अनकॉन्शियस माइंड, उनको पता ही नहीं होता है कि अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। बहुत से बात करते हैं, बहुत लोग बात करते हैं कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड की, मगर अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है नहीं पता होता है। तो दोस्तों अनकॉन्शियस माइंड वह माइंड होता है जो बच्चा जब पैदा होता है उसको कौन सबसे पहले गोदी में लेता है और कौन उसको कपड़े पहनाता है, कौन खिलाता है उसको दूध पिलाता है और कौन गोदी में ले लिया है, तो ये सब जो उसके साथ होता है तो ये बच्चे को नहीं याद रहता है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है उसका, ये अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की। तो दोस्तों अगर हम सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड अगर अलग अलग बताएंगे तो वीडियो लंबी तो हो जाएगी, बट होगा क्या आप लोगों को सही से समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को कोई डाउट होगा। तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए इसको, इन दोनों को एक साथ ही समझाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड हम लोग का 10% होता है और अब सब कॉन्शियस माइंड हम लोग का 90% पावरफुल होता है। तो दोस्तों इन दोनों को आज साथ में समझाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड क्या होता है। जैसे कि आप लोग कोई चीज़ करने के लिए सोचते हैं कि आज मैं बाइक सीखूंगा, आज मैं कार सीखूंगा, आज मैं कहीं जाऊंगा, तो ये सब क्या कर रहा है, ये सब सोचने का काम कॉन्शियस माइंड करता है। जब जो कॉन्शियस माइंड क्या करता है, जब आप बाइक सीखेंगे तो बाइक सीखने में आप लोगों को डर भी रहेगा, कैसे ब्रेक लगाना है और कैसे चलाना है आपको सीख रहे हैं ना, तो ये कॉन्शियस माइंड होता है। और जब आप सीख चुकेंगे, आप 1 महीने में 2 महीने में जब बिल्कुल सीख जाएंगे, आप जब ट्रेन हो जाएंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि हमें किस गियर में मोड़नी है और कौन से गियर में चलानी है, ये आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं रहेगा। आप जैसे उसको रोकेंगे, जैसे उसको मोड़ेंगे, गियर भी कम हो जाएंगे, ब्रेक भी लग जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये सब कॉन्शियस माइंड में आपकी वो चीज़ पहुँच जाती है, और जो चीज़ सब कॉन्शियस में पहुँच जाती है फिर आप लोगों को वो नहीं पता करना होता है कि आप लोगों को कैसे करना है। जैसे कि कोई भी काम जो सीखा जाता है तो वो कॉन्शियस माइंड होता है, और जब आप लोग उस काम को सीख लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो फिर आप लोगों को सीखना नहीं पड़ता है, वो तो वो अपने आप ही होने लगता है। तो इसको कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में कैसे बात डाली जाती है, अगर कोई बात अगर आप लोग सब कॉन्शियस माइंड में डाल देंगे तो वो आप लोग करके ही रहते हैं। जैसे कि आप लोगों, जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जब भी आप लोग किसी लड़की से बात करते हैं, गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, तो अगर 10-15 दिन के बाद आपको अगर वो छोड़ के चली जाए तो आप लोगों को दुख नहीं होगा उसका। तो ये क्या है, ये 10-15 दिन कॉन्शियस माइंड में रहता है आप लोगों के, तो इसलिए दुख ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप लोग 6 महीने 7 महीने उससे बात करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो क्या होता है, अगर वो इंसान छोड़ के चला जाए तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। कोई कोई तो इसमें पागल भी हो जाता है, सालों साल उसके दिमाग से नहीं निकलता है। जो चीज़ दिमाग से नहीं निकले आसानी से तो वो सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। तो दोस्तों ये होता है सब कॉन्शियस माइंड। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ ऐसी फंस गई है, पहुंच गई है, तो वो आप करके ही रहेंगे। एक जिद, जो जिद होती है दोस्तों, वो भी सब कॉन्शियस माइंड में ही होती है। कोई काम जो आपने कहा कि ये करेंगे और वो काम अगर आप लोग नहीं कर पाए तो ये कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड में बहुत लोग काम करते भी हैं, छोड़ देते हैं,
आपने अगर ये कहा ये करेंगे हम वहाँ जाएंगे पार्क जाएंगे, तो वो अगर नहीं भी हो पाया तो ये कॉन्शियस माइंड है। और दोस्तों जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाती है वो आप करके ही रहेंगे, और जब तक आप वो करेंगे नहीं तो आप लोगों को सुकून नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है, अगर आप इसमें निगेटिव चीज़ डालेंगे तो ये आप लोगों को निगेटिव ही कराएगा। अगर आप लोग पॉजिटिव चीज़ डालते हैं जैसे कि दोस्तों जिम एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपने क्या आज शाम से जाएंगे तो दोस्तों ये कौन कह रहा है जी आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है, और जब शाम हुई तो आपने कहा कल से जाएंगे, तो दोस्तों ये कॉन्शियस माइंड है। अगर आप इस चीज़ को अपनी जिम को सब कॉन्शियस माइंड में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा जी सब कॉन्शियस माइंड डालेंगे तो जब आप शाम होगी कोई हो ना हो आपके साथ बट आप लोग ज़रूरी जाएंगे जिम करने, क्योंकि ये सब कॉन्शियस माइंड आपको ले जाएगा। तो ये बहुत पावरफुल होता है, इसके इसके क्या होता है इससे इंसान भी मजबूर हो जाता है दोस्तों, इतना पावरफुल होता है। जैसे कि होता क्या है दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक जब आप पहली बार किसी से बात करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है हम क्या बोलें, सोचते हैं बात करने के लिए हम ये बोलें फिर चुप हो जाते हैं आप सुनाए, ऐसी बातें करने लगते हैं, बहुत सी बात होते हैं बट सोच सोच के करते हैं। उसी इंसान से आप जब 5-6 महीने बात करते रहते हैं तो आप लोगों को नहीं सोचना पड़ता है आप लोगों को क्या कहना है, सिर्फ आप लोग बात करते रहते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा कब हो जाता है नहीं पता चलता है। तो दोस्तों ये क्या होता है जो सब कॉन्स्टेंट माइंड में चला जाता है, और जब जो चीज़ सब कॉन्स्टेंट माइंड में चली जाए उस चीज़ को आप लोग बोलते हुए बात करते हुए नहीं सोचना पड़ता है, और जो चीज़ आप लोग सोचते हैं जो चीज़ करने का सोचते हैं तो ये दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड होता है। इसलिए कॉन्शियस माइंड को 10% कहा जाता है और सब कॉन्शियस माइंड को 90% पावरफुल कहा जाता है। इसीलिए 90% पावरफुल कहा जाता है, अगर आप लोग सब कॉन्शियस माइंड में वो बात डाल लेते हैं तो वो आप लोग करके ही छोड़ते हैं, और जब तक नहीं करते हैं तो आप लोगों को सुकून नहीं मिलता। तो दोस्तों आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching my video.